पर ओके सिट इन द मेडिटेशन। वॉइस क्लियर है ना? ओके हाँ क्लियर है। टेक अ डीप ब्रीथ। रिलीज। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ। Now release. Now take one more deep breath. And release. Now focus on your forehead. Imagine yourself as a soul in the center of your forehead. अपने फोरहेड के बीच में एक डिवाइन व्हाइट लाइट को इमेजिन करें, एक डायमंड की तरह चमकती हुई। आप एक सोल हैं, एक डिवाइन और प्योर सोल। नाउ इमेजिन कि आपकी ये सोल आसमान में उड़कर पहुंच गई है परमपिता परमात्मा के पास। सामने आपके भगवान बैठे हैं जिनमें आप विश्वास करते हैं। आप चाहें तो उन्हें शिव जी के रूप में भी देख सकते हैं। भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। भगवान से डिवाइन व्हाइट कलर की लाइट आपको मिल रही है। भगवान के सामने बैठ जाएं। आंखें बंद करके इमेजिन करें आपके भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी इमेजिन करें भगवान से रेड कलर की प्यार वाली किरणें आपको निरंतर मिल रही है। रेड कलर की प्यार वाली किरणें लगातार आ रही हैं। आपके फोरहेड पर ये किरणें आ रही हैं और आप भगवान से कनेक्ट हो गए हैं। अपने आप को प्यार से भरपूर महसूस करें। फील करें मैं प्यार से भरपूर हूँ। इमेजिन करें एक रेड कलर का हार्ट जिसमें रेड कलर की बहुत छोटे छोटे से हार्ट्स भरे हुए हैं। आपके चारों तरफ बन गया है और आप इस बहुत ही खूबसूरत हार्ट के अंदर हैं। फील करें आप प्यार से भरपूर हैं। फील करते रहें अपने चारों तरफ एक बहुत प्यारे हार्ट को जिसमें बस प्यार ही प्यार भरा हुआ है। अभी इमेजिन करें आपके सामने आपका लाइफ पार्टनर बैठा हुआ है। उसे भी एक सोल के रूप में ही देखना है, एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। अभी फील करें आपके फॉरहेड से ये प्यार की लाल कलर की किरणें उसके फॉरहेड पर जा रही है।
और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। जिस हार्ट के अंदर आप थे वो हार्ट बहुत बड़ा हो गया है और अब आप दोनों उस हार्ट के अंदर हैं और सामने भगवान से लगातार ये प्यार वाली किरणें आपको मिल रही है और आपसे लगातार आपके पार्टनर को मिल रही है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फील करें आप दोनों के बीच प्यार ही प्यार है। इन किरणों से आप दोनों के बीच जन्म जन्म के सारे कार्मिक अकाउंट एकदम क्लियर हो गए हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही दयालु और सहयोगी बन गए हैं। अभी अपने पार्टनर से आपको माफी मांगनी है। अगर आपको उसका नाम पता है तो नाम लेकर बोले, माय डियर लाइफ पार्टनर, अगर किसी भी जन्म में मेरी आत्मा ने आपकी आत्मा को मन वचन या कर्म से कुछ भी तकलीफ पहुंचाई है तो मैं आत्मा पूरे मन से आपकी आत्मा से माफी मांगती हूँ। माय डियर लाइफ पार्टनर, अगर इस जन्म में भी मैंने कुछ भी निगेटिव थॉट्स आपके लिए क्रिएट किए हैं, अगर मैंने कुछ भी गलत बिलीफ बना लिए हैं आपके लिए, तो उसके लिए भी मैं आपसे पूरे मन से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। इमेजिन करिए कि आप उनके पैरों को टच करके उनसे माफी मांग रहे हैं। नाउ से आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी तरफ से आपको कुछ भी हर्ट हुआ है, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। नाउ इमेजिन कि वो आपका नाम लेकर बोल रहे हैं कि मैं आपको पूरे मन से माफ करता हूँ और आप उन्हें हाथ जोड़कर कह रहे हैं, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू। अगर आपकी तरफ से भी कुछ भी ऐसा हुआ है जो मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा है, तो मैं भी उसके लिए पूरे मन से माफी मांगती हूँ और आपको भी पूरे मन से माफ करती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। अभी फील करिए आपके पार्टनर भी आपको हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि माय डियर फ्यूचर वाइफ, अगर मेरी तरफ से किसी भी जन्म में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो मैं भी आपसे पूरे मन से माफी मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी टू। प्लीज थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। एंड आई लव यू। इमेजिन करिए आप बोल रही हैं कि मैं भी आपको पूरे
पूरे मन से माफ करती हूँ। अभी आप दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, इमेजिन करिए, और हक करके आप एक दूसरे को बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिवनेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिवनेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिवनेस, आई लव यू। अभी इमेजिन करिए आप दोनों आमने सामने बैठे हैं और आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें कह रही हैं कि माय डियर हस्बैंड, आप जहां कहीं भी हो, मैं आपका बहुत ही ईगरली वेट कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। आप जहां कहीं भी हो, प्लीज कम इन माय लाइफ, जल्दी से आ जाओ, मैं आपके साथ शादी करके पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज कम सून इन माय लाइफ। ही इज सेइंग कि माय डियर वाइफ, आई एम कमिंग वेरी वेरी सून, हैव पेशेंस, आई एम कमिंग सून, जस्ट बी पेशेंट, आई एम कमिंग सून, आई एम कमिंग वेरी वेरी क्विकली। लिसन हिज वर्ड्स, ही इज सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, जस्ट हैव लिटिल पेशेंस, आई एम कमिंग, एंड आप कह रही हैं प्लीज कम सून, प्लीज कम सून। अभी आपको जो कुछ भी कहना है उनको, कुछ और भी, तो आप वो कह सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस टाइम पर। नाउ शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर मैसेज। नाउ इमेजिन भगवान से लगातार ये प्यार वाली किरणें आप दोनों को मिल रही हैं और भगवान ने आप दोनों के सर पर अपना हाथ रख दिया है और भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो, और आप दोनों बहुत खुशी खुशी भगवान के पैरों को टच करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हो। आप दोनों बहुत खुश हो, ब्लेस्ड फील कर रहे हो। नाउ इमेजिन करें कि आप वापस भगवान के पास आ गए हैं, भगवान के सामने। अभी इमेजिन करें कि आप धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर, अपने रूम में आ गए हैं। एक गहरी सांस लें, फिर रिलीज करें, दोनों हाथों को रब करें, फेस को टच करें और प्रेजेंट में आ जाएं। स्लोली ओपन योर आईज।